हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है इसमें हम देखते हैं आपके पर्सन जो है वो करंटली क्या फील कर रहे हैं। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड मी, जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उनके पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स है। आपके लिए क्या करंट फीलिंग्स है। सिक्स ऑफ स्पेड, सेवन ऑफ स्पेड, थ्री ऑफ हार्ट, एट ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ स्पेड। आपके पर्सन जेमिनी लिब्रा एक्यूरियस हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकते हैं और एरीज लियो सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। अभी आपके पर्सन आपके नो कांटेक्ट में ऐसा देख रहे हैं आपको कि आप इमोशनली इस पर्सन से विड्रॉल कर चुके हो, इमोशनली इस पर्सन से अटैच नहीं हो। आपके पर्सन ऐसा फील करते हैं कि आपके इमोशंस कूल डाउन हो चुके हैं, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन जो है वो ऐसा भी फील कर रहे हैं कि वो आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बात हो, पर ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं कि आप बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं हो उनके लिए। आपने ब्रेकअप कर लिया, आप अपने वर्क में बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है आप दोनों के बीच के सेपरेशन का रीज़न आप दोनों का वर्क भी हो सकता है, ठीक है, काम हो सकता है, जिम्मेदारियाँ हो सकती है जिसकी वजह से सेपरेशन हुआ है। तो आपके पर्सन जो फील कर रहे हैं इस वक्त कि आप उनसे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, या फिर ऐसा लगता है कि अभी आपके इमोशन जैसे मैंने बताया कूल डाउन हो चुके हैं अभी कुछ, वो आपका आपके बारे में ऐसा भी फील कर रहे हैं कि जैसे एक लॉस हो चुका है उनका, ठीक है, और ये लॉस को रिकवर वो नहीं कर पा रहे हैं। वो मन में चाहते हैं कि जो आपके साथ जो ब्रेकअप हुआ है उसमें काम करे, पर ऐसा लगता है कि आप उनसे मुंह फेर के रखे हो जिसकी वजह से ये पर्सन कुछ भी आपके तरफ जो है एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके पर्सन सोच रहे हैं। और देखते हैं नो कॉन्टैक्ट में मेरे व्यूअर्स के पर्सन क्या फील कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त कमिटमेंट देना चाहते हैं आपको, ठीक है। हो सकता है पहले नहीं दे रहे थे, पर अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, वो एफर्ट पुट ऑन करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। और ये पर्सन क्या फील कर रहे हैं, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, पर उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत लेट हो गया है, बहुत उन्होंने डिसीजन लेने में या फिर इस रिलेशनशिप में काम करने में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है जिसकी वजह से आप अभी रिग्रेट फील कर रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेटफुल एनर्जी इसमें है। देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा खुद को अकेलेपन में है। हो सकता है ये पर्सन के पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, अच्छे स्टेटस में हो, पोजीशन अच्छा हो इनका, पर बहुत अकेले हो चुके हैं अपने लाइफ में, ठीक है, अपने काम काम में ही बिजी रहते हैं। इमोशनली ये पर्सन जो है इस वक्त अकेलापन फील करते हैं। ये यहाँ पर आया है फाइव ऑफ कप्स। ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहे हैं और अपसेट रीज़न ये है कि बहुत दुखी हैं और लॉस फील कर रहे हैं। इनके दिल में इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन है और ऐसी फीलिंग है कि ये दूसरे को भी, सामने वाले पर्सन को, किसी से भी ये पर्सन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में इस वक्त कोई भी पॉजिटिव चीज़ें हो ही नहीं सकती है, ठीक है, पॉजिटिव इनके लाइफ से भाग चुकी है, पॉजिटिविटी नहीं है इनके लाइफ में। ये पर ये नहीं देख रहे हैं कि इनके लाइफ में जो है अभी भी चांस है कि ये आपके साथ जो है रिलेशनशिप में
वर्क कर सकते हैं। इनको मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे हुए हैं आपके पर्सन, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, नो कांटेक्ट में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। यहाँ पर आया है टू ऑफ कप्स और जस्टिस। देखिए आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं ये पर्सन, और इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने एक बहुत प्यारे रिलेशनशिप को बहुत अपनी ही नादानियों की वजह से या अपने इनडिसिसिव नेचर की वजह से इन्होंने रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। ये पर्सन आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करते हैं, और आप दोनों एक स्ट्रांग पार्टनरशिप या एक स्ट्रांग पार्टनर बन सकते थे, इनको ऐसे भी फीलिंग्स है। और ये देखिए, ये इन्होंने जो भी आपके साथ गलत किया है उसमें ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं, और जस्टिस तभी होगा जब ये अपने तरफ से एफर्ट करे और आपको अपना प्यार इजहार करे। तो इनको लगता है तभी ये जस्टिस हो पाएगा जब आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए, ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं। और देखते हैं और आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, फिर आपकी फीलिंग्स भी हम देख लेंगे कि आप क्या फील कर रहे हैं इस सिचुएशन में। फोर ऑफ सोर्ड, ठीक है, इनको इस नो कांटेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है कि अपनी गलतियों को समझे, उसमें रिफ्लेक्ट करे। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त इस तरीके के सिचुएशन में है जहाँ की ये ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक किससे ले रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं कि एक हो सकता है ये बहुत ज्यादा पर्सन अपने काम में व्यस्त रहते थे जिसकी वजह से भी इन्होंने आपके तरफ फोकस नहीं किया था, पर अब ये पर्सन को वो वक्त मिल चुका है। हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ की ये बहुत अकेले से पड़ चुके हैं, तो अब इनके पास बहुत वक्त है सोचने के लिए कि इन्होंने आपके साथ क्या गलतियां की थी इस रिलेशनशिप में, क्या सही गलत का फैसला ये पर्सन नहीं कर पाए थे। तो अब ये पर्सन बहुत ज्यादा उस बारे में सोच रहे हैं, और देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स और नाइट ऑफ कप्स। देखिए ये पर्सन आपके तरफ इस वक्त रोमांटिक फील कर रहे हैं, और ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए। मतलब ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि पास्ट में हो सकता है इस पर्सन ने सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस किया था, आप हमेशा आपने ही एफर्ट किया था। अब ये पर्सन एफर्ट करना चाहते हैं, ये आपकी तरफ प्यार भरा ऑफर लेकर आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कप्स। बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स है और ये चाहते हैं कि आपके तरफ वो प्यार भरा ऑफर लेकर आए, वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि वो भी आपके लिए वैसा ही फील करते हैं, जैसे कि बहुत रोमांटिक फील करते हैं आपके लिए, वो आपको ये बताना चाहते हैं। और आपके पर्सन नो कांटेक्ट में आपके लिए क्या फील करते हैं, नो कांटेक्ट में क्या फील करते हैं आपके लिए। थ्री ऑफ वैंड्स, ठीक है, आपके पर्सन आगे इस रिलेशनशिप में प्रोग्रेस चाहते हैं, और वो ऐसा भी फील करते हैं कि उन्होंने आप दोनों के बीच में इस वक्त डिस्टेंस हो चुका है, उस बारे में भी सोचते हैं कि वो डिस्टेंस को कैसे कम करेंगे, क्या आगे उनका स्टेप होना चाहिए। ठीक है, आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, हो सकता है ये पर्सन आप ही के तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप इनको मैसेज या कॉल करके अपने प्यार का इजहार करोगे। ठीक है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये समझते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स रेसिप्रोकेट करते हो, मतलब कि आप जैसा फील करते हो आपके पर्सन भी वैसा ही फील करते हैं, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। ठीक है, इनके दिल में ऐसी फीलिंग्स आती है। चलिए देखते हैं आप क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ सोर्ड, आप फील करते हैं कि ये पर्सन आपको बहुत अवॉइड करते हैं और इन्होंने आपको धोखा भी दिया है। सिक्स ऑफ वैंड्स, आपको ये भी लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक है, बहुत प्राउडी है और अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं,
और आपके पर्स और आप क्या सोचते हो इस पर्सन को लेकर, और आप क्या सोचते हो। चैरियट, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है इस पर्सन को अपने पैसे का बहुत ज्यादा घमंड है, या फिर इस पर्सन को जो है अपने स्टेटस का बहुत ज्यादा घमंड है, ऐसा भी आप फील करते हो। और अगर आप, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ऐसा चाहते हो कि अगर ये पर्सन चाहते हैं तो इन्हें खुद से आना चाहिए आपकी तरफ, खुद से एफर्ट करना चाहिए। और क्या सोचते हो आप और क्या सोचते हो इस पर्सन को लेके, आपके दिल में और क्या फीलिंग्स हैं। यहाँ पर है जजमेंट और टू ऑफ वैंड्स, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप सोचते हो कि इन्होंने जो भी आपके साथ किया है उसका जजमेंट होना चाहिए यूनिवर्स की तरफ से। आप यूनिवर्स को आप प्रे करते हो कि जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया है वो उस चीज को समझे, ठीक है। आपको ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन को बहुत लेट में रियलाइज हुआ है जो भी अपनी गलतियां हैं, बहुत इन्होंने लेट में रियलाइज हुआ है या इनको रियलाइज होने वाला है, ठीक है। ऐसा मुझे सिचुएशन नजर आ रहा है आप दोनों के बीच में। साथ में यहाँ टू ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, तो आपके पर्सन, आपको ऐसा भी लगता है इस पर्सन ने जो है एक्शन लेने में बहुत ज्यादा ये टाइम लगाते हैं। अगर ये ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि इन्हें आपके तरफ जो है आना चाहिए या नहीं, क्या डिसीजन लेना चाहिए, बहुत ज्यादा इनडिसिसिव रहते हैं, आपको ऐसा लगता है। नाइट ऑफ वैंड्स और नाइन ऑफ कप्स, आपको लगता है कि ये पर्सन अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने इच्छाओं के लिए आपके तरफ आना चाहते हैं। ये सिर्फ जो है अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए ऑन ऑफ आपके साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। आपको पता है कि ये पर्सन आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है और ये फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, उसकी वजह से ये पर्सन आपके तरफ आना चाह रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा स्वार्थी है, ये इस तरीके के इनके दिल में फीलिंग्स चल रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। आपके पर्सन की कुछ और फीलिंग्स भी देख लेते हैं, आपके पर्सन और क्या फील करते हैं। क्राउन चक्रा, पार्टनरशिप एंड अलायंस और पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। देखिए ये पर्सन जो है ऐसा लगता है कि, देखिए यहाँ पर क्राउन चक्रा का कार्ड आया है जो बता रहा है कि ये पर्सन को यूनिवर्स की तरफ से कोई वेकअप कॉल हुआ है, या फिर यूनिवर्स की तरफ से इनको रियलाइजेशन हुआ है, ठीक है, कि ये जो कनेक्शन है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्होंने जो भी किया आपके साथ बहुत गलत है। तो आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हुआ है कि उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहिए, ठीक है। ये पर्सन ऐसा चाहते हैं और इस रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन है वो हील करके आप दोनों फिर से एक हो जाओ, ऐसा ये पर्सन सोचते हैं। वो इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो सक्सेसफुल हो, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई डिडंट रियलाइज अर्लियर दैट दिस लव इज डीप इनसाइड मी, ठीक है। आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि उन्हें पहले ऐसे रियलाइज नहीं कर पाए थे कि ये प्यार उनके अंदर इतना डीपली है। यू आर द ड्रीम आई गो टू एवरी टाइम आई क्लोज माई आईज, ठीक है। आप ही के सपने देखते हैं, जब भी आपके पर्सन अपनी आंखें बंद करते हैं तो आप ही के बारे में सपने देखते हैं। आई हेजिटेट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में हेजिटेट करते हैं। हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू वॉट यू मीन टू मी, आपको बोलना चाहते हैं कि वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उनके लाइफ में क्या मायने रखते हो, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कुछ लोग आप में से ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि ये पर्सन आपके तरफ आए, ठीक है, पैशनेटली आपके तरफ बढ़े,
आप ऐसा विश करते हो, एक डिसीशन ले ये पर्सन कि अपने लाइफ में आपको चाहते हैं या इनके लाइफ में जो दूसरे सिचुएशन है उसी में स्टक रहना चाहते हैं। आई थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट, तो आपके बारे में ये पर्सन दिन रात सोचते रहते हैं और क्या सोचते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू, तो आपके पर्सन आपको ये बोलना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी नहीं भुला सकते हैं। आई कैन नेवर फॉरगेट यू। आई लव योर वॉइस, आई फील रिलैक्स्ड, गिव मी अ चांस। तो वो इस रिलेशनशिप में दोबारा मौका चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको कार्ड्स में भी आया है वो भी मैं बताई हूँ आपको। साथ में ये पर्सन ऐसा भी फील कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ जो किया है वो गलत है, और आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको पास्ट में धोखा दिया है, आपको अवॉइड किया है। इस तरीके की फीलिंग्स आपके दिल में हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपको रेजोनेट हुई हो, आपको अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।